सदर थाना क्षेत्र के सौदागर लाइन में बड़ा हादसा हो गया। एक जर्जर मकान अचानक से ढह गया। गनीमत ये रही कि महिला वहां से गुजर रही थी, वह उस मलबे में दबने से बच गई और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना से आसपास रहने वाले पड़ोसियों में दहशत जरूर बैठ गई है। फिलहाल भवन स्वामी ने इस जर्जर मकान के मलबे को हटाने का काम शुरू करा दिया है, जिससे अवरुद्ध हुआ मार्ग सुचारू हो सके। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के सौदागर लाइन का है, एमएम सैरी स्कूल के पास की ये घटना है। एक जर्जर मकान बारिश के कारण कमजोर हो चुका था, जो अब ढह चुका है। परिवार के लोगों ने बताया कि ये मकान पुश्तैनी था और एक लंबे अरसे से जर्जर पड़ा हुआ था। उनके दादा परदादा का ये मकान था। कई बार कंटोनमेंट बोर्ड से इस मकान को सही कराने के लिए गुहार लगाई, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। नीलू चौहान, क्या हो रहा है? मैं 8:30 बजे मंदिर गई बालाजी, वहाँ से लौट के आई। बस मैं 2 कदम पीछे ही थी, एकदम अचानक दीवार एकदम गिरी, मैं पीछे ही को एकदम लौट गई। हाँ, बहुत तेज, बहुत हाँ, मैं अरे हाथ पैर ठंडे हो गए एकदम। मैं पीछे को भागी, बस एक ब्लस्त जगह रह गई थी बस। ये मैंने कही जी क्या हो गया, एकदम मैं तुरंत ही भागी। आपकी जान बच गई है? हाँ, अभी भी बहुत डर सा महसूस घुसा हुआ है अंदर। हाथ पर काम नहीं कर रहे थे, अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया है। एकदम जी गिरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था एकदम, क्या हो गया है एकदम। और दोनों मोटरसाइकिल, और मेरा बच्चा भी 2 मिनट पहले ही निकला था दुकान के लिए। हाँ, वो भी बाल बाल बच गया। और बहुत दिन से ये टूटा फूटा डला हुआ है, कह रहे थे तो सब लोग कह रहे थे इसमें हिस्सा है, ये है, वो है, कैसे सही करवाएं। गिर गया।